प्रदेश के आगरा में कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा हम किसानों के साथ हैं और सरकार को किसानों का उत्पीड़न नहीं करने देंगे। आगरा में कांग्रेस नेत्री मनोज दीक्षित के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट के बाहर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी सरकार ने एमएसपी तो निर्धारित कर दी है लेकिन किसानों की फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिचौलिए एमएसपी से कम कीमत पर किसान की फसल खरीदकर मनमाने तरीके से फसल बेच रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन में हजारों युवाओं की नौकरी चली गई है। इसके लिए सरकार कुछ कदम जल्द से जल्द उठाए वरना हम सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो किसान देश का अन्नदाता है उसके साथ जो सौतेला व्यवहार किया है सरकार ने कि अन्नदाता को ही आज दुखी हम करेंगे तो कैसे देश खुशहाल होगा, कैसे देश चैन से रहेगा। कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में किसानों की मांग के लिए धरना और प्रदर्शन कर रही है कि मांग है कांग्रेस पार्टी की कि किसानों की जो फसल है धान की, गन्ने की, गेहूं की, उस फसल की कीमत को सरकार बाजार में 1825 है लेकिन उनके बिचौलिए 1100 में खरीद रहे हैं। वो उसी धान और गेहूं को अपने मनमानी रकम से किसान को दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। आज किसान वैसे ही परेशान है, आत्महत्या कर रहा है सरकार के कार्यकाल में। आपने देखा होगा लॉकडाउन में सबसे पहले गांव ने परेशान की, गांव के नाम पर योगी जी प्रदेश में मुखिया बने, गांव ने परेशान किया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में तो युवा, गरीब, हर व्यक्ति परेशान है लेकिन आज किसान अपनी फसल बो रहा है कर्जे पर लेकर, जब उसको कीमत की सही अपने फसल की कीमत नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। तो क्या सरकार बिल्कुल ही किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है? कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी, सड़कों पर उतरेगी। अगर मांग नहीं मानी गई किसानों की तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने का काम और जेल भरने का काम करेगी।